सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान को आगे बढ़ाते हुए पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी द्वारा चालकों का निबंध प्रतियोगिता का आयोजन जारी है, जिसमें रीवा संभाग के आईजी श्री चंचल शेखर महोदय और पुलिस अधीक्षक सिंगरौली अभिजीत रंजन द्वारा निर्देश अनुसार यातायात पुलिस विभाग व ट्रैफिक प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। आज दिनांक 23 जनवरी 2020 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 3 घंटे तक जिला मुख्यालय पर स्थित पुराना यातायात तिराहा पर एक नई पहल करते हुए ऐसे वाहन चालक जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उन्हें दंड के रूप में बैठाकर निबंध लेखन कराया गया। उनसे कम से कम 100 शब्दों में यातायात नियमों के पालन करने के विषय पर लाभ और हानियां अथवा फायदे और नुकसान के बारे में लेखन कराया गया। आम जनता और वाहन चालकों में वाहन चलाने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों के प्रति सजग रहना चाहिए संबंध में पूछा गया। तब उनके द्वारा कई सारे बिंदु लिखे गए, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा कि सड़क सुरक्षा का हमेशा पालन करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन की सुरक्षा रहती है। वाहन चालकों द्वारा निबंध के दौरान यह भी लिखा गया कि यातायात पुलिस सिंगरौली लगातार नित नए प्रयोग, नित्य नए कार्य यातायात जागरूकता के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है, जिसमें कभी हेलमेट भारी चालकों को फूल माला पहनाई गई, कभी फूलों के गुलदस्ते दिए गए तो कभी निबंध लिखाए गए, कभी पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। इसके अलावा कभी कभी सख्ती से चेकिंग कर चालानी कार्यवाही भी की गई, जिससे हम सबको उम्मीद है कि भविष्य में सिंगरौली ट्रैफिक भी अच्छा बन सकेगा।